কটিয়ারপা ধুবুরী ভারতীয় জনতা পার্টি আর মিত্র দিকত যেধরণে আদরি লিফ ইউ গট ক্যারেক্টার্স লাইক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইউ সিম্পলি ক্যানট অফোর্ড টু লেট দেম গো ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট স্পেস অন ইয়র প্ল্যাটফর্ম টু অ্যাকমোডেট দ্যাট ইজ আ কি মেসেজ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হু হ্যাজ স্টিয়ার্ড দ্য বিজেপি টুয়ার্ডস দিস নাম্বার উইল বি সিইং ইউ ইন আ ডিফারেন্ট রোল. नमस्कार, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे. अभी हाल में ही 5 राज्यों में चुनाव हुए और उसका रिजल्ट भी आया. सबसे ज़्यादा नज़र पश्चिम बंगाल और असम पर थी पूरे देश की. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री तौर पर शपथ ली है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पेशकश थी असम में. असम में कि क्योंकि जो असम का चुनाव लड़ा गया था वो सर्वानंद सोनोवाल के नाम, जो पिछले मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उनके नाम पर नहीं लड़ा गया था क्योंकि उनके खिलाफ एंटी और कंपेंसी थी और लोग नाराज थे. तो सर्वानंद, अरे बीजेपी जो है किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाई थी, जबकि आमतौर पर ये होता है कि जो पिछले मुख्यमंत्री था उन्हीं के तौर पर लड़ा जाता है इलेक्शन, जैसे बिहार में हुआ था पिछली बार. अरे जो पिछला इलेक्शन हुआ था बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे ही लड़ा गया था, लेकिन असम में ऐसा नहीं था. जो सर्वानंद सोनोवाल थे उनके नाम पर इलेक्शन लड़ा ही नहीं था जबकि वो मुख्यमंत्री थे. तो अब इलेक्शन तो बीजेपी वहाँ जीत गई है, बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन नाम पर चर्चा हो रही है. पिछले 2 दिन से अमित शाह के घर पर दिल्ली में बैठक चल रही है, उसमें जेपी नड्डा भी वो थे, इन्वॉल्व थे, नरेंद्र मोदी भी इन्वॉल्व थे वर्चुअली, वो भी इन्वॉल्व थे, और जो असम के प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी इन्वॉल्व थे. तो 2 दिन से चर्चा चल रही थी कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की मांग थी कि जो कांग्रेस से पिछली बार आए हुए मंत्री थे हेमंत शर्मा, जो कांग्रेस में कभी मंत्री रहे थे वो बीजेपी में शामिल थे, उनका बहुत बड़ा दबदबा है असम में. उनको लोग उनकी अच्छी खासी पैठ है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अच्छी खासी पैठ है. तो सर्वानंद सोनोवाल पर कशमकश था, लेकिन पिछले 2 दिन से इसी पर चर्चा चल रही थी. तो अब फाइनल हो गया है, बीजेपी दफ्तर से ये फाइनल हो गया है कि हेमंत विश्व शर्मा के नाम पर फाइनल हो गया है. हेमंत विश्व शर्मा जो है असम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, नए मुख्यमंत्री. तो अब जो है अभी खबर आ रही है कि जो हेमंत सर्वानंद सोनोवाल जो पिछले मुख्यमंत्री थे उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और विधायक दल की बैठक होने वाली है. विधायक दल की बैठक होने वाली है विधानसभा में, असम की विधानसभा में, और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा. वही विधायक दल का नेता जो होगा वो मुख्यमंत्री तौर पर शपथ लेगा, क्योंकि जो विधायक दल का नेता होता है वही मुख्यमंत्री बनता है. तो विधायक दल वो लिस्ट जाएगी राज्यपाल के पास, राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेंगे. मुख्यमंत्री जो नियुक्त करता है वो जनता नहीं करती, वो राज्यपाल करता है. तो विधायक दल का नेता जो बनता है वो चिट्ठी जाती है राज्यपाल के पास, राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं, तब नियुक्त किया जाता है, फिर उसके बाद शपथ लेते हैं. तो हेमंत विश्व शर्मा के नाम पर बात बनी हुई है, अभी विधायक दल में वो भी क्लियर हो जाएगा, और एकदम कन्फर्म है कि हेमंत विश्व शर्मा नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि दिल्ली से ये नाम सजेस्ट करके भेज दिया गया है. वो एक औपचारिक वो होगा कि विधायक दल के नेता चुना जाएगा, वो औपचारिक तरीका है, लेकिन उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा. वो हेमंत विश्व शर्मा ही नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे. तो ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस से आए हुए लीडर जो हेमंत विश्व शर्मा पिछले 5 साल पहले जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनको अब क्या नाम है, हेमंत विश्व शर्मा के नाम पर मुख्यमंत्री तौर पर शपथ लेंगे. और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 में सेंट्रल में, पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे स्टेट के बीजेपी के जिनका संबंध संघ से नहीं है. संघ से नहीं है, वो संघ से कभी प्राइमर मेंबर भी नहीं थे, कभी मेंबर नहीं थे संघ के. तो ये पहले बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हमेशा जो भी मुख्यमंत्री बना हुआ है सबका क्या नाम है, संघ का कुछ ना कुछ रिलेशन रहा, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो
या फिर मनोहर लाल खट्टर हो, तो संघ का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन इसमें संघ का कोई रोल नहीं है। संघ के ये मेंबर कभी थे ही नहीं हेमंत विश्व शर्मा, तो इसी वजह से थोड़ा सा कचपकच बना हुआ था, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा के नाम पर वो अरे बात बन गई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।